दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। आज फिर से स्टूडियो में बात कर रहे हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म टेक न्यूज के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी स्टूडियो में आज फिर से यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों गूगल पिक्सल के 3 और 3 एक्सल की तरफ से। इनको जो है अब रिपेयर करना काफ़ी आसान होगा। iFixit की जो है यहाँ पर मदद ले ली है गूगल ने पिक्सल्स के लिए। iFixit की जो है एप्लीकेशन इन स्मार्टफोन्स में होगी और जो है पीछे की तरफ बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगातार काम करती रहेगी। किसी भी प्रकार के ड्राइवर या फिर हार्डवेयर कनेक्टिविटी को जो है देखने के बाद उसे यहाँ पर फिक्स करती रहेगी ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ। तो ये प्रॉब्लम जो है आराम से सॉल्व कर दिया करेगी गूगल पिक्सल 3 और 3 एक्सल के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है जेफ बेजोस की तरफ से कि लनर यहाँ पर बनाया है जो कि मून के ऊपर छोड़ने वाले हैं। इनका नाम यहाँ पर रख दिया है ब्लू मून। अब अमेरिकन्स को यहाँ पर प्रोमिज किया है जेफ बेजोस ने कि 2024 में आप जो है ट्रेवल कर पाएंगे मून के ऊपर। काफ़ी सारी जानकारी हासिल करने के लिए ये वाला जो है कि लूनर मून के ऊपर भेजा जाएगा जल्दी ही। अब देखते हैं 2020 तक भेज देते हैं या फिर थोड़ा और टाइम यहाँ पर लगता है। इसको बनाने के लिए जो है काफ़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है, लेकिन ऐसा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी किया गया जो कि काफ़ी आसानी से मून के ऊपर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर हमारे अर्थ तक भेज पाए। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों इंस्टाग्राम की तरफ से, कुछ हैशटैग्स को जो है ब्लॉक करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम में एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के साथ मिलकर जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारी फेक न्यूज़ यहाँ पर फैलाई जाती है, उन फेक न्यूज़ को जो है हैशटैग लगाकर ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर या फिर काफ़ी ज़्यादा आगे भेजने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। इसी हैशटैग को जो है पकड़कर इंस्टाग्राम के ऊपर अब इन फेक न्यूज़ को रोका जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों TSMC की तरफ से। TSMC को जो है सैमसंग हुआवे अलग अलग कंपनीज ने जो है जैसे कि एप्पल भी है इन सब ने यहाँ पर 5nm चिपसेट बनाने के लिए आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अभी जो है इसने बोला है कि चिपसेट का काम जो है शुरू हो गया है। N7+ नाम से जो है चिपसेट होगी जो कि होगी 5nm की। तो देखते हैं 2020 तक TSMC क्या कमाल करके दिखाता है इस 5nm चिप को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों एप्पल वास सीरीज 4 को जो है दुनिया के अंदर अवार्ड मिल चुका है वास सीरीज को लेकर। अवार्ड के तहत बताया गया है कि जो एप्पल वास सीरीज 4 है इसकी एक तो डिस्प्ले काफ़ी पहले वाली से बड़ी है या फिर कहें कि दूसरे स्मार्ट वॉच के मुताबिक ये थोड़ी सी बड़ी है। साथ ही इसमें जो प्रेशर टच वाला सिस्टम दिया गया है वो काफ़ी अलग हट के यहाँ पर काम कर रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड से जो अलग अलग कंडीशन में काम कर देता है, इसी के चक्कर में जो है इसे अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों स्मार्टफोन की तरफ से। चाइना के अंदर जो स्मार्टफोन मेकर कंपनीज हैं उनको यहाँ पर 6.7% का नुकसान हुआ अप्रैल 2019 के अंदर। इतना मार्केट जो है डाउन आ चुका है 6.7%। इसका कारण ये है कि क्योंकि इंडिया में भी कंपनीज लग चुकी हैं, जापान के अंदर भी लगी हैं, यहाँ पर कोरिया के अंदर भी चाइना से निकलकर काफी सारी कंपनी चली गई है। तो उसके तहत जो ये नुकसान यहां पर फिलहाल इतना है, लेकिन 2020 तक ये नुकसान 30% हो सकता है ऐसे कुछ आंकड़े यहां पर बता रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है नोकिया की तरफ से। वास्प नाम से जो है कि कोड नेम निकल के आया है यहाँ पर और इसमें बताया गया है कि इसको जो है FCC सर्टिफिकेशन मिल चुकी है और इस स्मार्टफोन के अंदर 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज होगा। और कुछ आंकड़े ये भी बता रहे हैं स्नैपड्रैगन 710 SoC CPU भी इसमें हो सकता है। डिस्प्ले जो है Full HD+ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, 720 पिक्सल्स के साथ शायद यहाँ पर 1440 पिक्सल दे दिए जाएँ, HD+ यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है ओप्पो रेनो की तरफ से। 28 मई को जो है इंडिया के अंदर इसे लॉन्च किया जा सकता है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है। तो देखना ये है कि ओप्पो रेनो 10X जूम को लेकर इंडिया में कब आ रहा है, कब जो है यहाँ पर मतलब सेल होने वाला है। आने के बाद काफ़ी टाइम लगता है ना सेल होने के बाद, अमेज़ॉन हो या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर देखते हैं कहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर सेल होने वाला है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के कुछ सिक्योर कोड्स पासवर्ड और एम्प्लॉयज़ के डाटा जो हैं वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों के डेटाज नेम कार्ड्स डिटेल काफ़ी कुछ जो है गायब हो चुका है। मतलब एक सिस्टम होता है हर कंपनी का अपना, एक यहाँ पर सर्वर होता है, उस सर्वर के शायद पासवर्ड खराब हो गया या फिर कुछ हो गया तो उनके डेटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं कि वो डिलीट हो गए हैं, बस वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन डेटाज को। सैमसंग की काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, काफ़ी कुछ डेटा यहाँ पर भरा पड़ा है, अब उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ तो बड़ा यहाँ पर करना पड़ेगा सैमसंग को, कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। अभी जो है ये वाला नुकसान यहाँ पर हो रखा है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, निकल आ रही है साइंटिस्ट की तरफ से, डिस्कवर किया है एक समुद्र के नीचे 650 से 5000 फीट तक जो है यहाँ पर फिश पाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा डार्क के अंदर भी कलर्स को आराम से देख सकती है, समझ सकती है, बिल्कुल नॉर्मली जैसे कि हम हाई लाइट के अंदर यहाँ पर देखते हैं। इस फिश के ऊपर अभी जो है काफी घोर अध्ययन चल रहा है, काफी सारी स्टडीज की जा रही है। अब फ्यूचर में हो सकता है अगर इससे कुछ अनुमान लगाकर कुछ टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए, तो जो नाइट विजन कैमराज हमारे जो कि रात के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, शायद वो कलर्स वगैरह काफी ठीक से पहचानने लगे। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है, डेल्टा की तरफ से टेस्टिंग कर रहा है फ्री वाईफाई नेटवर्क सर्विस अपनी फ्लाइट्स के लिए, और इसकी टेस्टिंग जो है काफी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है। तो लगभग 3 महीने बाद यहाँ पर डेल्टा फ्लाइट्स के अंदर आपको वाईफाई की व्यवस्था मिल जाएगी बिल्कुल मुफ्त वाली। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आसूस जेनफोन 6 की तरफ से स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट जो है यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया, साथ ही पता चला है इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक भी होगा। काफी सारे लोगों को पसंद आता है 3.5mm का हेडफोन जैक। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है आने वाले रेडमी के कुछ फ्लेक्सिप स्मार्टफोन्स की, इनके अंदर जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ यहाँ पर बैटरी भी जो है मतलब बड़ी होने वाली है, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो लार्ज यहाँ पर कर दी जाएगी, लगभग 500 से 700 mAh यहाँ पर बढ़ा के दिए जाएंगे रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर यह पता चला, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है कन्फर्म यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है काफी बड़ी, सैमसंग जो है कुछ ही दिन बाद जो है अनाउंस कर रहा है 3 नैनोमीटर का एक प्रोसेस जो कि रोड मैप है वो जल्दी ही यहाँ पर नेक्स्ट वीक ही जो है अनाउंस करने वाला है, ये काफी बड़ी बात है। और सेमीकंडक्टर जो जियांट है वो काफी अलग होते हैं, लेकिन सैमसंग ने कब जो है चुपके से ये हासिल कर लिया है फिर क्या कर लिया है नहीं पता है, क्योंकि TSMC जो है 2020 में 5 नैनोमीटर चिप देने की बात कर रही है, और यहाँ पर सैमसंग जो है नेक्स्ट हफ्ते नेक्स्ट वीक के अंदर ही 3 नैनोमीटर के रोड मैप से शो करने वाला है, काफी बड़ी बात है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों निकल के आ रही है होनर 20 की तरफ से, नए टीजर से यहाँ पर पता चला है जो पीछे का लुक होगा, जो कि पीछे का जो होगा डायनेमिक होलोग्राफिक ग्लास डिजाइन के साथ यहाँ पर बैक दिया जाएगा, पीछे का हिस्सा जो होता है वो अलग अलग डिजाइन में आएगा, जैसा कि मतलब काफी सारे यहाँ पर जो अजूबा है जैसे कि ताजमहल है या फिर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है या फिर कुछ ऐसे ही और स्पेशल जो प्लेसेस है उनका यहाँ पर फोटो जो है पीछे की तरफ 3D के अंदर चिपका दिया जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है बैक ग्लास के ऊपर बैक डिजाइन में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है रियलमी एक्स की तरफ से, गीकवेंस की वेबसाइट पर निकल के आया है, इसके अंदर जो है 8GB रैम के साथ साथ स्नैपड्रैगन 710 SoC CPU दिया गया है। मतलब आपको ये नहीं लगता है कि अभी जो है SoC ये पुराना हो गया 710 वाला, काफ़ी सारे स्मार्टफोन में आ चुका है, काफ़ी लोगों ने यूज भी कर लिया, आपने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया है, कुछ नया करना चाहिए, 710 की जगह 720 लगा देना चाहिए, जो भी है बना देना चाहिए। क्या लगता है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर लेनोवो Z6 यूथ एडिशन की तरफ से, इसके अंदर एक नया कमाल मतलब आने वाला है, एक नई टेक्नोलॉजी जो GPS है वो एक नए ही डिजाइन में यहाँ पर आने वाला है, जो कि एकदम हाल ही एकदम करेक्ट लोकेशन आपको बताएगा, इंच बाय इंच जो है लोकेशन आपकी ये बता दिया करेगा, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का GPS सिस्टम इसमें कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है, अभी तक निकल के नहीं आया, आने के बाद पता चल जाएगा ये ठीक से बता रहा है या फिर वैसे ही जो है कंपनी यहाँ पर झोलझाल कर रही है, जो भी है पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और काफी फास्टली जो है मैंने न्यूज आपको यहाँ पर दे दी है, तो ज्यादा समय आपका नहीं लिया होगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और कोई सवाल है कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जो भी है कमेंट यहाँ पर जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।